Hello everyone. So now we will start the class 8th topic, representation of rational number on the number line. This is important topic for the class 9th also, as I have already previously discussed in the yesterday's class. आपकी जो पिछली पुरानी क्लास थी 9th क्लास की, उसमें मैंने बताया भी था कि ये वीडियो 9th क्लास के लिए भी बहुत बेटर होने वाला है. सो जस्ट फोकस द टॉपिक ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द व्हाट इज योर नंबर लाइन. योर नंबर लाइन इज समथिंग लाइक दैट. Here is in the middle 0 and then 1, 2, 3, 4, 5, so on. Okay, so here is 1, 2, 3, 4 and so on up to infinite. And here is minus 1, minus 2, minus 3 and like this, so on up to the minus infinite. Okay, this is our number line. There are so many numbers on this number line, but we will show how to show rational number. किस तरीके से हम rational number show करेंगे? या तो easy है, चलो ठीक है, मैंने दो के नीचे one लगा दिया तो ये तो मेरा rational number हो गया और मैंने इसको show कर दिया number line पर, क्योंकि ये बहुत easy था. लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 1/2 show करो, 5/6 show करो, then it is very difficult for you. एंड इट इज़ नॉट ईजी डायरेक्टली. आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आपको ये सीखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से शो करते हैं. तो मान लीजिए अगर मुझे दिया हुआ है, मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 6 लेकर दिखा देती हूँ. इसमें दिया हुआ है -4/5, शो ऑन द नंबर लाइन. आपको क्या करना है, -5 को आपकी नंबर लाइन पर शो करना है. ठीक है, देर इज नो क्वेश्चन मार्क. देन वॉट इज आवर सोल्यूशन? क्या करना है आपको? नंबर लाइन पर शो करना है. अब नंबर लाइन पर जब भी शो करना होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. अब देखिए, जब भी आपको शो करना होता है, आप हमेशा 0 और 1 के रेशियो में के बीच में ले लीजिए. आपका आराम से 4, 5, ये कहाँ से बनेगा मुझे बताओ? अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो देखो, अगर मैं 5 को डिवाइड करती हूँ 4 में, तो लगभग ये बनेगा 0 point, और ये बनेगा 5 8 जा 40, तो ये बन जाएगा आपका लगभग 0.8 बन जाएगा. तो 0.8 बनने से क्या हुआ? 0.8 बनने से मतलब कहीं ना कहीं 0 के आसपास मिलेगा. कहाँ से कहाँ तक इसकी लिमिट वेरी करेगी? 0 to 1. क्योंकि क्या होता है आपका, 0 to 1 में अगर हम चलते हैं, स्केल मान के चलूँ, तो कितने स्केल होते हैं? 10, 1, 2. तो ये होता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड फिर आ जाएगा आपका कितना? 1. तो कहने का मतलब, कितने स्केल होते हैं 0 और 1 के बीच में? 10 स्केल्स होते हैं. तो इन स्केल्स में ही हम लोगों को ये सब चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है. अब अगर मान लो मुझे 0.1 को कुछ लिखना भी है, तो देखो मैंने क्या किया, ऐसे ही लिखते हैं हम, ये तो आप सबको पता है. अब मैं इसे रैशनल में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो देखो पॉइंट हटाती हूँ, तो नीचे क्या लगा देती हूँ मैं? 10. फिर यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे क्या लग जाएगा? 10. मतलब जैसे ही मैं पॉइंट हटाऊँगी, सबके नीचे क्या लग जाएगा? 10. इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मैंने यहाँ 10 क्यों लगाया? क्योंकि मैंने इस एक स्केल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसलिए मैंने 10 यहाँ नीचे पुट किया डिनोमिनेटर के अंदर. बाकी आप चलते जाओ इस तरीके से. मान लो मुझे कहना पड़ता कि आप इस 0 से लेकर 1 को, समझना बात को ध्यान से, इस 0 से लेकर 1 को आप किस में डिवाइड करो? 3 पार्ट्स में ही डिवाइड करो, 1, 2 एंड 3. कितने पार्ट में? 1, 2 एंड 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. क्या हो जाएगा ये? 0/3, 1/3, 2/3 एंड 3/3. देखो ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा कितना? 1/3, और ये हो जाएगा मेरा 2/3. कैसे लिखा मैंने, ध्यान से देखो आप. अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगी? 0/3 3 पार्ट में डिवाइड किया है,
जितने पार्ट में डिवाइड करते हैं उससे डिवाइड कर दो, 0/3। फिर यहाँ इसको क्या लिखेंगे, 1/3। इसको क्या लिखेंगे, 2/3। उसको क्या लिखेंगे हम, 3/3। और 3/3 आपको क्या मिलेगा, ऑलवेज 1 ही मिलेगा। और 0/3 क्या मिलेगा, 0। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये थी 0/1 की कहानी। मान लीजिए मैम ये 0/1 के इर्द गिर्द ना पूछे आपसे और आपसे पूछते लगभग समथिंग 2 और 3 के बीच में, और तब आपको कहे कि आपने इसको 4 पार्ट में बांटा है, ये 4 पार्ट में बांट लिया, क्या लिखोगे आप इसको, यहाँ तो लिखोगे 1/4, यहाँ लिखोगे 2/4 और यहाँ लिखोगे 3/4, यही लिखोगे, क्योंकि मैम आपने बताया है हमें इस तरीके से लिखना बताया है। लेकिन बेटा वो कब लिखेंगे हम, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसको लिखना पड़ेगा। अगर मैं इस वाले पॉइंट को लिखना चाहती हूँ तो ये वाला पॉइंट एक्चुअल में है क्या, 2 सही 1/4। आई आपको बात समझ में, कहने का मतलब है किसके किसके वैल्यू पर डिपेंड करेगा ये साथ में लेके चलेगा, आपके 2 को लेके चलेगा, तब जाकर आपका क्या आता है, ये आता है। और अगर आप नहीं आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं आपको बताती जाऊंगी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, ठीक है। अभी आपके पास क्वेश्चन है कि आपको -4/5 को क्या करना है, नंबर लाइन पर शो करना है। 4/5 आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.8, मतलब कहीं ना कहीं 0 और -1 के बीच में, माइनस में दिया हुआ है इसलिए मैं उल्टा ले रही हूँ, क्योंकि देखो माइनस किधर आता है, इधर की तरफ आता है, इस छोटे से स्केल को मैंने इतना बड़ा बना दिया 0 और -1, क्योंकि मुझे पता है मेरा 4/5 किसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, इसलिए मैं बाकी इतनी लंबी लाइन क्यों बनाऊँ, सिर्फ मैंने इसी को बना के छोड़ दिया। और आप एरो लगा के शो कर सकते हैं कि आगे तक भी चल रहा है, ठीक है। आपको बोला है इसने कितने पार्ट्स में डिवाइड, देखो यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है, 5 का मतलब क्या हो गया, कितने पार्ट्स में डिवाइड है ये, 5 पार्ट्स में कर दो डिवाइड, 1 इक्वल पार्ट में, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया ये 5 पार्ट्स में डिवाइड, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, कर लीजिए। यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1/5, 2/5, पर किस में, माइनस में, क्योंकि हम उधर उल्टा चल रहे हैं, -1/5, -2/5, ये आ जाएगा -3/5 और ये आ जाएगा -4/5। इसको करके देख लो, यहाँ क्या बनना चाहिए था हमको, -5/5 बनना चाहिए था, देखो कट जाता है तो क्या मिलता है, -1, और आ भी रहा है -1, मतलब हम क्या है, बिल्कुल हमारा स्केल बिल्कुल सही है, हमने चेक भी कर लिया, क्रॉस चेक भी हो गया कि क्या हमारा स्केल सही है या नहीं है बिल्कुल। तो देखो अब 0, -1/5, -2/5, -3/5 और -4/5, क्या बताना था मुझे, -4/5, इसको बड़ा सा सर्कल गोला बनाकर इसको लिख दीजिए, ये रहा आपका -4/5। तो आप ये लिख सकते हैं कि ये रहा आपका -4/5, या इसको कोई नाम दे दो, ए पॉइंट, और आंसर में लिख दो योर ए पॉइंट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको शो कर दिया। अगला क्वेश्चन बोला गया है आपको, अगला एग्जाम्पल है आपका, रिप्रेजेंट 3/8, -1/8 एंड 5/8 ऑन द नंबर लाइन। कहा कि आप इन तीनों को रिप्रेजेंट करके बताओ नंबर लाइन पर। देखो बेटा ध्यान से, कुछ प्लस में आ रहे हैं, कुछ माइनस में आ रहे हैं, मतलब ये दोनों स्केल चला है, मतलब ये 0 to 1 भी चला है और ये 0 to -1 भी चला है। कैसे जज किया मैंने, आप सोच रहे होंगे मैडम कौन सा, यहाँ पर कोई आएगा क्या, यहाँ भैया यहाँ पर क्या है, इधर देखिए एक बार, 1 ही है ना एक तरीके से, यहाँ पर सब जगह मान के चल लो, या ये 1 के कंपैरिजन में प्रोस्पेक्ट में ही चल रहा है। और अगर हम करते भी तो 8/5 क्या आता है, देखिए 8/5 क्या आता है, 0.05, 8 6 48 कितने बचते हैं, 2 बचते हैं हमारे, फिर 0 20, 8 2 16, ये 0.6 आ रहा है, मतलब 0.6 ही आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये 0.6, ये करके देख लो, 3/8 करके देख लो, 3/8 अगर 8 में करती हूँ तो 8 का भाग लगाना है 3 में, वही पॉइंट, फिर 0, पक्का 0 से, ओ सॉरी 0 पॉइंट, कितना आ जाएगा, 8 से 24, ये भी 0.3 समथिंग कुछ आ रहा है, और 1/8 करूँगी ये भी कुछ ऐसा ही आएगा। तो कहने का मतलब मुझे साफ दिख रहे हैं ये वैल्यू किसके बीच में आएगी, 0 पॉइंट समथिंग आएगी, तो ये 0 to 1 के बीच में ही चलेगी। तो मतलब स्केल मेरा कहाँ तक चलेगा, 0 to 1 के बीच में ही चलेगा, लेकिन इसमें 2 स्केल है, प्लस भी और माइनस भी है। तो यहाँ तो मैं लिख दूँ 0,
क्या है, मेरे दो स्केल चल रहे हैं, मेरे प्लस भी चल रहा है और मेरा माइनस भी चल रहा है। थोड़ा ये बीच में नहीं है, मैं इसको बिल्कुल बीच में बना देती हूँ, ठीक है। तो क्या चल रहा है, प्लस में भी चल रहा है और माइनस में भी चल रहा है। तो देखिए क्या चल रहा है यहाँ, एट एट एट, नीचे तीनों में एट है, मतलब क्या किया है, इधर भी एट पार्टीशन किए हैं और इधर भी एट पार्टीशन किए हैं, ठीक है। एट पार्ट में डिवाइड कर लूँ, यहाँ लिख दो वन और यहाँ लिख दो क्या, माइनस वन। कितने पार्ट में डिवाइड करना है, एट में, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। थोड़ा गड़बड़ हो गई है, दोबारा बना देती हूँ मैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ठीक है। अब देखो क्या कर दूँ मैं इसको, वन बाई एट, टू बाई एट, आठ पार्ट में डिवाइड किया है, मैंने कहा वन से चलना है आपको, जीरो हो चुका है, वन बाई एट, टू बाई एट, इसको क्या लिखूँगी, थ्री बाई एट, इसको क्या लिखूँगी, फोर बाई एट, इसको लिखूँगी फाइव बाई एट, इसको क्या लिखूँगी मैं, सिक्स बाई एट, और इसको लिखूँगी मैं सेवन बाई एट। चेक करके देख लो यहाँ क्या बनना चाहिए, लास्ट वाला, ये लास्ट वाला क्या बनना चाहिए आपका, एट बाई एट बनना चाहिए, और एट बाई एट मिलकर क्या बनेगा, वन, और ये पहला वाला क्या बनना चाहिए, जीरो बाई एट, यही तो लिखते हैं हम, जीरो बाई एट, फिर वन बाई एट, फिर टू बाई एट चलता जाता है, फिर ऐसे एट बाई एट। तो देखो ये वन बनता है और आपका ये क्या बन जाएगा, जीरो। तो जीरो टू वन के बीच में स्केल आ रहा है, तो हम बिल्कुल सही चल रहे हैं मतलब। तो ये जो हमने पॉजिटिव की तरफ किया, अब हम नेगेटिव की तरफ भी करेंगे। हमने नेगेटिव क्यों किया, क्योंकि ये दोनों जो मेरे नंबर है थ्री बाई एट और फाइव बाई एट, वो तो मुझे मिल गए यहाँ पर। देखो ये थ्री बाई एट तो मेरा ये रहा, और फाइव बाई एट मेरा कहाँ है, ये रहा, तो मुझे ये दो नंबर तो मिल चुके हैं। बस इसके लिए मुझे इधर वाली लाइन और बनानी पड़ेगी। देखो बनाऊँ वही, माइनस इसके आठ पार्ट में डिवाइड कर लूँ, दो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, ठीक है। माइनस वन बाई एट, माइनस टू बाई एट, माइनस थ्री बाई एट, माइनस फोर बाई एट, माइनस फाइव बाई एट, माइनस सिक्स बाई एट एंड माइनस सेवन बाई एट। कौन सा चाहिए मुझे, माइनस वन बाई एट, ये रहा मेरा माइनस वन बाई एट। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, तीनों नंबर्स को शो कर दिया आपका। आप इसको नाम दे दीजिए, ए, ए क्या था मेरा थ्री बाई एट, बी क्या था मेरा माइनस वन बाई एट, और सी क्या था मेरा फाइव बाई एट। इस तरीके से आप अपनी नंबर लाइन बना सकते हैं और उस पर शो कर सकते हैं अपने इस आंसर को, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, दोनों चीज़ों को शो कर दिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ दो ही एग्जांपल दिए हुए आपके नंबर लाइन शो करने पर, मतलब बहुत इजी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इससे ज़्यादा आपको आपकी बुक में नहीं है और ना ही आपके सिलेबस में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपैरिजन। कंपैरिजन करके बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रैशनल नंबर छोटा है। सो व्हाट इज द मेथड फॉर द कंपेयरिंग द रैशनल नंबर, वी विल टेक द एग्जांपल 3 अपॉन 5 एंड 2 अपॉन 3। एग्जांपल इज व्हाट, 3 अपॉन 5 एंड 2 अपॉन 3, एंड व्हाट इज सेइंग दैट कंपेयर दिस इक्वेशन, कंपेयर बोथ द नंबर्स विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलेस्ट। अब ये हम कैसे पता करेंगे, इसको पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास दो रैशनल नंबर्स है, क्या है हमारे पास दो रैशनल नंबर्स है। अब अगर एक बात बताओ, यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है 3/5 और यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है 2/3, दोनों ही डिफरेंट है। अगर मैं इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम बना दूँ, कैसे भी करके, कुछ भी करके मैं इन दोनों के डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम बना दूँ, तो ऊपर अभी तो मैं कह ही नहीं सकती, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, कैसे कह सकते हो कि 3 बड़ा आएगा और 2 बड़ा नहीं होगा, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं हो जाते। लेकिन प्रॉपर्टी कहती है अगर आपके डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो ऊपर वाले से आप जज कर सकते हो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखो इसको डिनोमिनेटर सेम बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका है आपका विथ एलसीएम, आपका पहला तरीका, बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, चेक करने के बड़ा छोटा, लेकिन आपका पहला तरीका क्या है, एलसीएम। फाइव एंड थ्री का एलसीएम बताओ क्या होगा,
फाइव एंड थ्री का एलसीएम क्या होगा? मैंने कहा जब भी दो कोप्राइम हो, कुछ कॉमन है क्या इनमें? नहीं है, या कुछ भी है क्या? नहीं, ये दोनों कट भी नहीं रहे एक दूसरे से, ना इनको कोई मतलब है, बिल्कुल अलग अलग है, ये थ्री और ये फाइव है, कोप्राइम एक दूसरे के लिए। तो मैंने कहा कि हमेशा इन तीनों दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? फाइव थ्री से फिफ्टीन, एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा मेरा? फिफ्टीन आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको डिनोमिनेटर दोनों का ही थ्री बाय फाइव का हमने सीखा है, मैंने कहा आपको, अब दोनों का डिनोमिनेटर मुझे क्या बनाना है, कैसे भी करके 15 बनाना, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो 3 बाय 5 में बताओ मुझे इस डिनोमिनेटर को 15 बनाना है, तो क्या करूँ मैं? 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, तभी तो मेरा 15 बनेगा। क्या करूँ मैं? 3 से मल्टीप्लाई करूँ। अब अगर मैंने नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या मेरा डिनोमिनेटर बन गया 3 3 9 एंड 5 3 15? ऊपर वाला कुछ भी बने आई डोंट केयर, बट मुझे नीचे क्या चाहिए? 15। 15 बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको ऊपर नीचे 3 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट नंबर ले लो 2 बाई 3, ये रहा मेरा 2 बाई 3। अब इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करो कि नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या बन जाए? 15। 3 5 15, 5 से करना पड़ेगा। तो देखो 3 5 15 मुझे डिनोमिनेटर मिल चुका है, ऊपर भले कुछ भी मिले आई डोंट केयर। अब इन्हें लिखो यहाँ पर 9 बाय 15 और 10 बाय 15। अब मुझे बताओ जब मेरे डिनोमिनेटर सेम है तो अब मैं नीचे वालों को बिल्कुल भूल जाऊँ, अब मुझे नीचे वाला नहीं देखना, अब मुझे सिर्फ ऊपर वाले देखने हैं, इनमें से कौन सा बड़ा है? 9 और 10, 10 बड़ा है, मतलब कौन सा वाला नंबर बड़ा है? 10 बाय 15 बड़ा है। अब ऊपर चलो इसको कंपेयर करो, ये वाली लाइन किसकी चल रही थी आपकी? 3 बाय 5 की। इसको एक्चुअल में लिखो, एक्चुअल में क्या है ये नंबर? 3 बाय 5 है अपने क्वेश्चन को देखकर, और ये वाला क्या है? 2 बाय 3, और बीच में लगा दो ग्रेटर देन। हमने क्या किया, इजीली हम नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हमने क्या किया इसका एलसीएम लेकर इसको बता दिया। एक और दूसरा तरीका होता है, दूसरा तरीका ये है कि अगर आप एलसीएम नहीं लेते हैं तो डायरेक्ट भी आप क्या कर सकते हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है 3/5 एंड 2/3, मुझे कैसे भी करके इनको सेम बनाने, क्या कर दूँ मैं यहाँ पर क्या कम है मेरा? 3 कम है, क्यों ना ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, और यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर दूँ? 5 कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है मेरा? 5 कम। देखो 5 × 3 3 × 5 बन चुका है, सेम बन चुका है, मतलब अब मुझे कुछ भी नहीं करना, अब सिर्फ ऊपर वाले को देखना है, ऊपर वाला कितना बनेगा? 9, या कितना बनेगा? 10। कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि मेरा कौन सा बड़ा है? 2/3 बड़ा है, किससे? 3/5 से। तो ये आप ट्रिक से बहुत जल्दी भी पता कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये तो बात होती है आपकी ट्रिक की, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा एक मल्टीप्लाई वाला तरीका भी होता है, कैसे होता है मल्टीप्लाई वाला तरीका? ये हो गया आपका सेकंड मेथड। थर्ड मेथड और होता है आपका, थर्ड मेथड होता है आपका 3/5 एंड 2/3। क्या कर दो इनको? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा? 3 3 9 बनेगा, और ये क्या बनेगा? 5 2 10। कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, तो आप डायरेक्ट लिख दो 3/5 < 2/3। तो इस तरीके से आपके 3 मेथड्स हैं सॉल्व करने के, बट एग्ज़ाम पर्पज़ में जो लिखने वाला तरीका है वो सबसे ज़्यादा यही बेस्ट है। ये सिर्फ हमारे जल्दी से स्पीड में करने के लिए है और ट्रिक से करने के लिए। तो इस तरीके से आपके मैंने ये मेथड बता दिए। तो 2 टाइप्स के मेरे क्वेश्चन आज हो चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर ऑन लाइन, एंड सेकेंड इज द कंपेरिजन ऑफ योर रैशनल नंबर विच इज ग्रेटर एंड विच इज द लेस देन। ओके, सो वी विल डू द एक्सरसाइज 1.2। वॉट इज योर एक्सरसाइज 1.2? एंड थर्ड टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज दैट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। एंड मुझे नहीं लगता कि अब आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में भी प्रॉब्लम आएगी, तो एक बार हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी समझ लेंगे, बट पहले इन दोनों टॉपिक पर बेस्ट हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, सो योर 1.2 एक्सरसाइज इज सेइंग दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कौन सा जो रैशनल नंबर है वो बड़ा है और कौन सा छोटा है, बता सकते हैं आप आराम से, ये अभी मैंने आपको सिखा दिया है। उसके बाद में आपसे पूछा है इन्होंने रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। आपको बोला गया है कि आपको ये सब दे रखे हैं और आपको क्या करने हैं, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करने हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है आपके लिए,
अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग. ये अभी मैं समझा दूंगी आपको. थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन आप आ जाइए. फिर पहले फिफ्थ पे, फिफ्थ वाले क्वेश्चन पर ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना है. ये भी बहुत ईजी है. क्या कर रखा है आपको, दो रैशनल नंबर दे रखे हैं और कहा कि इनमें से बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. तो मैंने अभी तरीका बताया. क्या करो, एलसीएम लेकर आपको क्या करना है, सेम बनाना है. सिक्स क्वेश्चन है आपका, राइट एनी फाइव रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन माइनस वन. फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है आपका कि माइनस वन से छोटे फाइव रैशनल नंबर लिखिए जो कि माइनस वन से छोटे हैं. बेटा हमेशा देखो छोटा बड़े का डिसाइड कैसे करते हैं, आगे जीरो होता है. अगर इसके बाद में पूछा जाए, कहा जाए कि ऐसे चलना है, ऐसे ऊपर चलना है, मतलब बड़े की तरफ चलना है, तो समझ जाना पॉजिटिव स्केल की तरफ जा रहे हो. मैंने कहा कि छोटे की तरफ जाना है तो मतलब कहाँ जा रहे हो, नेगेटिव स्केल की तरफ जा रहे हो. मतलब ये हम कह सकते हो माइनस वन, माइनस टू और माइनस थ्री की तरफ जा रहे हो. उसने क्या पूछा, माइनस एक से छोटे. अब माइनस एक से छोटे किधर मिलेंगे आपको, माइनस वन से छोटे आपको इधर की तरफ मिलेंगे. मैंने कहा आपको हमेशा छोटा तो इधर की साइड में मिलेगा और बड़ा आपको हमेशा इधर की साइड में मिलेगा. तो छोटे की तरफ आप जा रहे हो तो माइनस वन से छोटा कौन कौन से रेशनल नंबर हो जाएंगे, बहुत सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे. माइनस टू भी बोल सकते हो, कुछ भी लिख दो आपकी मर्जी पड़े, जो ही लिख दो. आपको फाइव रेशनल नंबर बताने, बस वो क्या होनी चाहिए, माइनस वन से छोटी होनी चाहिए. और माइनस वन से छोटे किधर की तरफ मिलेंगे, इधर की तरफ मिलेंगे. तो इस तरीके से आपको क्या कर लेने, आपका क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर सेवन भी कर लेना है. तो हम पढ़ लेते हैं एक बार आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करेंगे, सेम वही तरीका. आपको करना क्या है उसके अंदर कि नीचे सबके डिनोमिनेटर क्या बनाने हैं आपको. आप एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेके सारे नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम बनाओ. अभी जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, 8 by -15 कोमा -3 by 10 कोमा -13 by 20 कोमा 17 by -30. देयर आर फोर टाइप ऑफ द मेथड्स. वहाँ पर फोर टाइप्स होते हैं. अगर आपके ट्रिक से सॉल्व करने का तरीका होता है, अगर आपके सारे डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या करो, आप ऊपर वाला देखो, जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा और जो छोटा होगा जो सबसे छोटा नंबर होगा. कहने का मतलब एग्जाम्पल ही आप समझ लीजिए. मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तीन ऐसे टाइप के क्वेश्चन लिखे. पहला कैसे कि जब आपके सारे डिनोमिनेटर सेम हो तो जो बड़ा वाला होता है वो सबसे बड़ा होता है. मतलब 8 by 20 क्या है, सबसे बड़ा नंबर. सबसे छोटा कौन सा है, -1 by 20. फिर कौन सा है, 6 by 20 और फिर लास्ट में 8 by 20. तो मैंने इसको जमा दिया असेंडिंग ऑर्डर में. तो पहला केस तो ये होता है कि अगर सारे डिनोमिनेटर सेम है तो जो बड़ा वाला है वही बड़ा नंबर है, जो छोटा वाला है वही छोटा नंबर है. तो इस तरीके से होता है. उल्टा दे दें अगर आपको, मान लो कुछ इस तरीके से दे दे, अगर मान लो आपको कुछ इस तरीके से दे दे, तब क्या करेंगे, अगर ऊपर वाला सेम है, न्यूमरेटर सेम है, तो इसमें क्या होता है, जो आपका सबसे छोटा वाला होता है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वो क्या बन जाता है आपका, सबसे बड़ा नंबर. मतलब सबसे बड़ा खा पीछे चला जाएगा. जो सबसे बड़ा होता है वो क्या बन जाता है आपका, सबसे छोटा बन जाता है और 2 by 40 आपके बीच में आ जाएगा. तो कहने का मतलब पहला केस तो हो गया, अगर डिनोमीटर पूरे सेम है तो जो बड़ा है वही बड़ा रहता है, जो छोटा है वो छोटा रहता है. और जो अगर ऊपर डिनोमीटर सेम है तो जो छोटा होता है वो तो बड़ा बन जाता है, जो छोटा और जो बड़ा होता है वो क्या बन जाता है, वो छोटा बन जाता है. तो ये तो हो गया आपके दो केसेस. थर्ड केस होता है अगर आपका कि मान लो बिल्कुल अलग अलग दे रखा हो, कुछ भी नहीं दे रखा हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे. क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे. कैसे बनाएंगे, एलसीएम लेकर बनाएंगे. उसका जैसे एलसीएम आया भी हमने लिया था और हमने क्या किया, सबका डिनोमिनेटर सेम बनाया था. तो वैसे एलसीएम लेकर क्या करेंगे, हम इसका डिनोमिनेटर सेम बना लेंगे और डिनोमिनेटर सेम बनते हम जज कर सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. तो देखिए मैं ले लेती हूँ इसका एलसीएम, एलसीएम ऑफ -15, 10, 20 and -30. यहाँ माइनस माइनस लिखने की कोई ज़रूरत होती ही नहीं क्योंकि माइनस में कभी एलसीएम नहीं आता. एलसीएम ले लूँ मैं इसका 15, 10, 20 and 30.
एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द डिवीजन मेथड. मैं तो डायरेक्टली भी कर सकती हूँ दो मिनट के अंदर अंदर, लेकिन मैं आपको पूरा करके दिखा रही हूँ. 15 बार नहीं जाता, 2 5 जै 10, 2 10 जै 20 एंड 15 टाइम्स हमारा चला जाएगा ये. उसके बाद में मैं किससे करूँ, मेरे पास अभी भी एक इवन नंबर है, फिर दो से करूँगी, 15 मेरा यहाँ आ जाएगा, फिर 5, 2 5 जै 10 एंड 15 ईयर्स हियर. अब मुझे दिख रहा है कि दोनों किससे डिवाइड होंगे, मेरे 3 से डिवाइड होंगे. 3 से करती हूँ, 3 5 जै 15, 5 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होता, एंड 3 5 जै 15. अगर किसी को एलसीएम करना नहीं आता है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख ले, मैंने वहाँ पर एलसीएम और एससीएम बहुत डिस्क्रिप्शन में समझाया है. अब क्या बचता है मेरा, 5, 1 1 1 1, 5 1 जै 1, 5 1 जै 5, 5 1 जै 5, ऐसे करके मैंने ये चारों लिख दिए यहाँ पर. क्या बना मेरा एलसीएम, 2 2 जै 4, 4 3 जै 12 एंड 12 5 जै 60. तो इसका एलसीएम मेरे पास क्या मिलता है, 60. करके बताने की जरूरत होती ही नहीं है आपको, शो करना ही नहीं है कि मेरा एलसीएम किस तरीके से यहाँ पर मुझे मिला है. आफ्टर दैट एलसीएम इज अ 60. अब मुझे क्या करना है, इस 60 को डिनोमिनेटर में बनाना है हर किसी के. अब देखो मैं 8 बाय 15 को 60 कैसे बनाऊंगी, क्या किससे मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो 60 बनेगा. सेकेंड वाले में देखो, -3/10 किससे मल्टीप्लाई करो 60 बनेगा, 6 से. ऊपर नीचे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से. -13/20 में देखो किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं ऊपर नीचे, 20 3 जा 60, 3 से हो जाता है, तो ऊपर नीचे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा. लास्ट वाला करके देखूँ मैं, 17/30, वो भी किस में, माइनस में. मेरे सारे नंबर क्या है, मेरे माइनस में ही चल रहे हैं. 30 का मुझे 60 बनाना था, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरा क्या बन चुका है, ये 8 4 जै 32 एंड 15 4 जै 60, किसका, माइनस का, फिर कॉमा, 6 3 जै -18 एंड 10 6 जै 60, बन गया मेरा सब जगह 60. -13 3 जै 39 और ये बन गया 60, और ये बन गया -34/32 जै 60. तो देखो मेरा सब जगह 60 बन चुका है, अब मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं. अब मैंने बोला कि जब भी डिनोमिनेटर सेम बन जाए, आप क्या करो, सबसे जो बड़ा होगा किस में लिखना है, पहली बात तो आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. अगर असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा, अब बताओ सबसे बड़ा कौन सा होगा मेरा, सबसे बड़ा होगा आपका यहाँ पर ये 32 है, 18 है, 39 है, 34 है. असेंडिंग क्या कहता है मेरा, छोटे से लेकर बड़ा. सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला जो ऊपर वाला छोटा है, तो मैंने लिख लिया 18/60. फिर उससे बड़ा कौन सा है, 32 वाला. बट ये सारे नंबर मेरे माइनस में चल रहे हैं, मैं ये कैसे बोल सकती हूँ, तो माइनस में रिजल्ट क्या रहेगा, मैं उल्टा चल रही हूँ, मैं नेगेटिव नंबर्स की तरफ चल रही हूँ. तो मुझे बताइए आप यहाँ पर कि ये -32 दे रखा है, -18 दे रखा है, -39 दे रखा है और -34 दे रखा है. तो माइनस में हैं ये सारे नंबर मेरे, प्लस में बिल्कुल नहीं है. तो बताइए माइनस में सबसे छोटा कौन होता है और सबसे बड़ा कौन होता है. अगर मैं नंबर लाइन कुछ इस तरीके से बनाती हूँ, -1 -2 -3, मैं पूछती हूँ -3 छोटा है या -1 छोटा है. मैंने कहा जब इधर की तरफ चलते हैं तो ये बड़ा आता जाता है और इधर की तरफ चलते छोटा आता जाता है. तो मैं देखूँ ना अगर, तो -3 छोटा है -1 से, मतलब ये छोटा है. अगर मैं -5 ले लूँगी तो -5 छोटा है -3 से, मतलब मैं इधर की तरफ चल रही हूँ. तो लगभग इधर देखो, -39 के यहाँ लिखा होगा, फिर क्या लिखा होगा आपका, -34 लिखा होगा कहीं ना कहीं, और फिर -32 लिखा होगा, और फिर कहीं ना कहीं -18 लिखा होगा, और कहीं ना कहीं आपका 0 लिखा होगा. तो आप मुझे बताओ कि इन सब में से कौन सा तो बड़ा है और कौन सा छोटा है. सबसे छोटा होगा आपका -39 और सबसे बड़ा होगा आपका -18. तो अब इसको देखकर आपको बनाना है. मैंने कहा असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिखते हैं हमेशा सबसे छोटा. असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा क्या होगा आपका, बताइए मुझे. सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में आपका सबसे छोटा यहाँ पर होगा कौन सा, -39 वाला. -39 अपॉन
60, फिर उससे उससे बड़ा जस्ट कौन होगा, माइनस 34 अपॉन 60, फिर उससे बड़ा होगा आपका माइनस 32 अपॉन 60, फिर उससे बड़ा होगा आपका माइनस 18 अपॉन 60। इस तरीके से बन गया आपका। अब इनका क्या कीजिए, आप एक्चुअल नंबर लिख लीजिए। व्हाट इज एक्चुअल नंबर ऑफ दीज नंबर्स? एक्चुअल नंबर होंगे 39 अपॉन 60 कौन था, ये था, इसका रेस्पेक्ट में क्या था एक्चुअल नंबर, माइनस 13/20। कॉमा नहीं लगाने हैं आपको, आपको असेंडिंग बताना है, ठीक है? तो आप यहाँ लिख दीजिए माइनस 13/20। उसके बाद में ये 34 वाला 60 वाला कौन सा था, ये वाला था, इसके प्रोस्पेक्ट में नंबर देखो 17/30। फिर चलो ये माइनस 32 वाला कौन सा था, पहला वाला, ये आपका 8/15। फिर लास्ट वाला चलो 18/60 वाला कौन सा था, सेकंड वाला, तो ले लिख दीजिए माइनस 3/10। मतलब आपको एक्चुअल नंबर में भी शो करना है, और एक्चुअल नंबर में शो करके आपको बताना है कि इसका आंसर ये आएगा। तो आई होप आपको इस तरीके से ये आंसर पता चल गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने इसको पूरा डिस्क्राइब में आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया है। तो आपका आंसर क्या आ गया है, कुछ इस तरीके से आ गया, असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग लिखना होता तो डिसेंडिंग में क्या होता, बड़े से छोटा, जस्ट में क्या कर देती इसको उल्टा कर देती। क्या किया मैंने, वंस आई, हाँ ओके ओके, सो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन दिस सॉल्यूशन। क्या किया मैंने, कुछ इस तरीके से मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, जब भी मुझे यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, व्हाट आई डू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिनोमिनेटर सेम बनाऊँ। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमेशा क्या करते हैं बच्चों, हमेशा एलसीएम लेते हैं जो भी नीचे संख्या लिखी है। मेरा एलसीएम आया 60, मैंने क्या करा, इन सबको 60 बनाने के लिए जो मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया उसी से ऊपर कर दिया, क्योंकि हमेशा चेंजेस करते हैं वो ऊपर नीचे बराबर करते हैं। तो मैंने मैंने इस तरीके से सारे 60 बना दिए, मैंने 60 बनाकर इसको यहाँ लिख दिया। ये देखो, ये स्टेप में तो मैंने कुछ किया ही नहीं, पूरा की पूरा क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब जो भी काम किया मैंने यहाँ किया, अगर यहाँ मेरा प्लस होता ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बड़ा वाला बड़ा होता, छोटा वाला छोटा होता, क्योंकि मैंने कहा कि आपके जब ये नीचे मिल चुके हैं 60, अब आप इसको भूल जाओ, अब तो बस आप ऊपर वाले को ही देखो कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। प्लस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमें पता है 2 छोटा होता है 4 से, हमें तो प्लस में तो पता ही होता है। माइनस में थोड़ी कहानी उल्टी होती है, माइनस में आप इधर की तरफ जाते जाओगे तो आपको छोटा मिलेगा। कहने का मतलब जो संख्या बड़ी दिखती है ना माइनस में, वो सबसे छोटी होती है। तो देखो माइनस के अंदर देखो सबसे बड़ा कौन सा है, माइनस 39, इसलिए वो सबसे छोटा है। फिर कौन सा है, माइनस 34। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया और ये मेरा सेंडिंग ऑर्डर आ गया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं माइनस 39 को बड़ा समझ के यहाँ लिख देंगे और पूरा क्वेश्चन गलत। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। सो अकॉर्डिंग टू मी योर 1.2 एक्सरसाइज इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। प्लीज़ डू 1.2 एक्सरसाइज एंड दिस एग्जाम्पल्स ऑफ 1.2 एंड एक्सरसाइज 1.2 इन योर होमवर्क नोटबुक। सो टूडेज आवर क्लास इज कम्प्लीटेड, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द एक्सरसाइज 1.3। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।